हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत भाषाई कौशलों का सामान्य परिचय और भाषाई कौशलों के सामान्य परिचय में श्रवण कौशल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे। यदि हम भाषाई कौशलों की बात करते हैं, भावों तथा विचारों को अभिव्यक्ति का जो एक साधन है वो भाषा है, यानी भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव या विचार दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। भाषा सीखने की दृष्टि से पहले सुनने का क्रम आता है और उसके बाद भाषा बोलने की बात आती है, और बोलने के बाद फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये भाषाई क्रम रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए बालकों में पहले ग्रहण क्षमता या ग्रहण शक्ति और उसके बाद ही अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। शिक्षण सूत्रों के दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो सरल से कठिन की ओर के नियम का पालन किया जाता है। बालक के इंद्रिय प्रयोग में पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और उसके बाद लिखने का क्रम आता है। मनुष्य में भाषाई कौशल को ग्रहण करने की प्रक्रिया बड़ी सहज होती है और अनौपचारिक ये प्रक्रिया होती है। ये कक्षा में भाषा के अधिगम से ही नहीं अपितु शिशु के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बालक अपने विचारों को बोलकर, पढ़कर या लिखकर प्रकट करता है, इसीलिए उनमें इन योग्यताओं का विकास होना आवश्यक होता है और ये एक भाषा शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो उसे उचित भाषाई कौशलों का विकास करवाए। भाषा शिक्षण के इन कौशलों को ही हम भाषाई कौशल का नाम देते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या जिसे हम भाषण कौशल भी कहते हैं, पठन कौशल और लेखन कौशल। आज हम श्रवण कौशल की बात करेंगे। श्रवण से भाव है सुनना। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उच्चरित ध्वनियों, शब्दों, भावों या विचारों को सुनकर ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जिस अभिप्राय को लेकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, अपनी मौखिक रूप से उनको अभिव्यक्त करता है, उसको उसी रूप में सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना ही श्रवण कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को ध्यान से सुनना तथा सुनी हुई बातों को समझने के लिए प्रेरित किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। यानी श्रवण कौशल से भाव है सुनने की क्षमता को विकसित करना। किसी के द्वारा कही गई बात को सुनकर उसे उसी अर्थ में, उसी भाव में, जिस भाव में जो वक्ता है वो अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता है, श्रोता भी उसी भाव में उस बात को समझे, वो श्रवण कौशल की महत्ता है। श्रवण कौशल के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में सुनकर, भावों को सुनकर समझने की योग्यता विकसित करना, श्रुत सामग्री में से अच्छी बातों के चयन करने की योग्यता विकसित करना, ध्वनियों तथा शब्दों के शुद्ध उच्चारण की ओर ध्यान देना, मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियों से परिचित होना और उनके प्रयोग की क्षमता को विकसित करना। श्रवण कौशल के माध्यम से ही साहित्य में रुचि पैदा होती है। विद्यार्थियों को का मानसिक तथा बौद्धिक विकास करना, वक्ता के भावों या विचारों में निहित गूढ़ रहस्यों, गूढ़ अर्थों को समझने की योग्यता विद्यार्थियों में विकसित करना, सरल, स्पष्ट तथा शुद्ध शब्दों में अपने विचारों तथा भावों को
सुनकर प्रकट करने की योग्यता विकसित करना, स्वराघात बलाघात और स्वर में आरोह अवरोह को समझें और उसका सही ढंग से विद्यार्थी प्रयोग करें, धैर्यपूर्वक सुनने की योग्यता को विकसित करना। बच्चों ये थे कि श्रवण कौशल को विकसित करने के उद्देश्य क्या रहते हैं। अगर हम इसके अब महत्व की चर्चा करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, क्योंकि भाषा हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि भाषा सीखने का एक क्रम है जिसमें पहले सुनना बोलना पढ़ना और लिखना आता है। बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए श्रवण कौशल का बहुत महत्व है। बालक जन्म से ही कुछ ध्वनियों को सुनना आरंभ कर देता है जो उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। ये ध्वनियाँ बालक को भाषा ज्ञान प्राप्त करने का आधार बनती हैं। ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने के कारण ही बालक उन ध्वनियों में जो बिल्कुल सूक्ष्म से जो अंतर होते हैं उनको पहचान लेता है या समझ पाता है। इसलिए श्रवण कौशल को भाषाई कौशलों के का आधार या उसे प्रथम जो स्टेप है वो माना गया है, क्योंकि जब तक श्रवण कौशल धैर्यपूर्वक या सही ध्यानपूर्वक नहीं होगा तब तक हम अन्य किसी भी कौशल में प्रवीणता ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो श्रवण कौशल में सुनकर अर्थ को समझना ये जन्मजात प्रक्रिया है। छोटे छोटे शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों को अर्थ ग्रहण करना। श्रवण कौशल की आवश्यकता केवल मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ही नहीं होती बल्कि ये पठन और लेखन के लिए भी आवश्यक होती है या पठन या लेखन के लिए भी जरूरी होती है। क्योंकि जब हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे ना, फिर उसको जो ध्यान से जो ध्वनियाँ हैं उनका यदि उच्चारण नहीं सुना तो ना उनका सही उच्चारण होगा, जो उच्चारण सही नहीं होगा तो मतलब पठन सही नहीं होगा, और पठन ही सही नहीं होगा तो हम उसका लेखन भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। यानी जो आधार है वो श्रवण कौशल ही है, इसके बिना अन्य जो कार्य हैं वो संपन्न नहीं हो सकते, अन्य जो कौशल हैं उनको विकसित नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक जीवन में भी अनेक प्रकार के जो कार्य हैं जिन्हें हमें श्रवण कौशल के माध्यम से ही या दूसरे द्वारा कही गई बातों को सुनकर ही करना पड़ता है। किसी भी यद विद्वान हैं उन्होंने कहा है कि ज्ञान बोलता है तथा बुद्धि सुनती है, अतः बुद्धिमान बनने के लिए सुनने की कला में निपुण होना परम आवश्यक होता है। ये था बच्चों की हमारे श्रवण कौशल की आवश्यकता हमारे लिए क्या है। अब हम बात करते हैं कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उचित विधियां कौन सी अपनाई जाएं, किन किन विधियों से श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए या सीखने की दृष्टि से प्रयास और अभ्यास ये आवश्यक होता है। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता भी हो, क्योंकि जो जिसमें सुनने की धैर्यता नहीं है उसमें बोलने की कला भी नहीं हो सकती। छात्रों में श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए कुछ विधियों को अध्यापक को अपनाना चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन से भाव है कि विद्यार्थियों को कुछ बोलकर सुनाया जाए ताकि विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुने। सस्वर वाचन यानी ऊंची आवाज़ में पढ़ना, जिसमें मौखिक रूप से ध्वनित शब्दों को हो ताकि विद्यार्थी उसे सुनकर उसके उच्चारण पर ध्यान दे सके और उच्चारण को सही तरीके से पकड़ सके। दूसरा है श्रुतलेख। श्रुतलेख से भाव है सुनकर लिखना,
अध्यापक इस विधि के अंतर्गत अध्यापक बोलता है और विद्यार्थी उसे सुनकर लिखते हैं, वही विद्यार्थी सही तरीके से लिख पाएगा जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेगा। यदि श्रवण कौशल विकसित नहीं होगा तो विद्यार्थी अध्यापक बोलेगा कुछ, विद्यार्थी ने सुना नहीं, तो वो फिर उसको सही ढंग से लिख नहीं पाएगा, प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएगा। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत भी अध्यापक विद्यार्थी से प्रश्न करता है और विद्यार्थी को उसके उत्तर देने होते हैं, वही विद्यार्थी सही उत्तर दे पाएगा जो प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेगा। इसलिए प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत भी श्रवण कौशल को विकसित करवाया जाता है। दूसरा है भाषण। भाषण एक ऐसी कला है जिसमें वक्ता अपने भावों को प्रस्तुत करता है और उन भावों को वही विद्यार्थी सही समझ पाएगा, पकड़ पाएगा भाव को, जो उसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। परस्पर वार्तालाप विद्यार्थियों की या विद्यार्थी अध्यापक की, विद्यार्थी विद्यार्थी की, विद्यार्थी अध्यापक की, इसमें परस्पर वार्तालाप करवाई जाती है, बातचीत करवाई जाती है। तो बातचीत करते समय यदि दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुना जाए तभी उसका सही उत्तर दिया जा सकता है, तभी वार्तालाप सफल होती है। कहानी कहना व सुनना, इस विधि के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों को कहानी सुनाता है और फिर विद्यार्थियों को वही कहानी दोबारा से सुनाने के लिए कहता है या फिर उससे संबंधित किसी कहानी का वर्णन करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों को कहता है, वही विद्यार्थी उस कहानी को दोबारा सुना पाएंगे जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री प्रयोग इसमें लाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से भी विद्यार्थियों में जो प्रेरणा है वो जागृत होती है। तो बच्चों, ये हमने आपको शिक्षण विधियाँ बताई हैं। किसी भी विधियों के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि बिना योजना के, बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो एक समय में एक ही विधि नहीं, बल्कि अध्यापक अपने विवेक से, अपनी बुद्धि बल से एक समय में एक से अनेक या अधिक विधियों का प्रयोग कर सकता है, जिससे कि विद्यार्थियों को श्रवण कौशल विकसित हो। अब हम बात करते हैं कि श्रवण कौशल को विकसित करने में किन किन यंत्रों का, यानी इसमें सहायक शिक्षण सहायक सामग्री क्या प्रयोग होनी चाहिए। श्रव्य दृश्य सामग्री प्रयोग है जिसके अंतर्गत ये शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसमें श्रव्य दृश्य से भाव है, श्रव्य होता है सुनना, दृश्य होता है देखना। कुछ सामग्री ऐसी हैं जो केवल सुनती हैं और कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, उनका वर्णन हम करेंगे। सबसे पहला है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर एक श्रव्य सामग्री है। इसमें विद्यार्थियों को कुछ किसी विद्वान के भाषण को सुनाया जाता है, जिसको सुनकर विद्यार्थी अपने विषय को पूरा करते हैं, अपने जो उप विषय है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे वही विद्यार्थी उस विषय को पूरा कर पाएंगे। टेप रिकॉर्डर में हमारे पास एक सुविधा रहती है कि एक ही बात को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। उसके बाद है रेडियो। रेडियो भी एक श्रव्य साधन है, परंतु इसमें समय का निर्धारण रहता है। इसमें हम एक बार की बात को दोबारा से अपनी मर्जी से नहीं सुन सकते, ये प्रसारित कार्यक्रम के अंतर्गत ही हमें सुनना होता है। टेलीविज़न। टेलीविज़न एक श्रव्य दृश्य साधन है। इसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो देखने से विद्यार्थियों में जो भावभंगिमाओं के आधार पर जो विषय है वो अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ भावों को मुख की भावभंगिमाओं के माध्यम से भी स्पष्ट किया जाता है। इसमें भी विद्यार्थियों का श्रवण कौशल विकसित करवाया जाता है। चलचित्र आदि हैं, उसमें भी विद्यार्थियों को जो कोई नाटक, कोई फिल्म ऐसा दिखाया जाता है, किसी पर्दे पर उसको डिस्प्ले किया जाता है, दिखाया जाता है, उसमें भी विद्यार्थी देखते हैं, सुनते हैं और अपने जो विषय है उसको पूरा करते हैं। जो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं वही विषय को पूरा कर पाते हैं। और वीडियो रिकॉर्डिंग है या फिर सीडी रिकॉर्डिंग है या
ग्रामोफोन है, ये कुछ ऐसे साधन हैं विद्यार्थियों को कुछ जो सुनाए भी जाते हैं और कुछ दिखाए जाते हैं, इस माध्यम से विद्यार्थियों में श्रवण कौशल को विकसित किया जाता है। तो बच्चों आज हमने श्रवण कौशल के विषय में पढ़ा, कल जो हमारा दूसरा विषय रहेगा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल रहेगा, श्रवण कौशल के बाद मौखिक अभिव्यक्ति कौशल पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।